असुर एक ऐसी वेब सीरीज, आई एम श्योर ये कोई नहीं भूला होगा और सब इसके दूसरे सीजन का इंतजार कर रहे होंगे और वो भी बेसब्री से। तो 1 मार्च 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे ये वेब सीरीज आई थी और इसने तहलका मचा दिया था। क्या बड़े क्या छोटे, सबको ये बहुत पसंद आई थी और इसकी रेटिंग हो गई थी 8.4 की। इसके करेक्टर से लेके इसके स्क्रीन प्ले से लेके इसके डायलॉग, इसके जो थ्रिल, सस्पेंस, मिस्ट्री, सब कुछ इतना लोगों ने पसंद किया कि लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया और लोगों को सजेस्ट करते रहे कि भाई ये देखो, ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा। वैसे भी लॉकडाउन था तो लोगों का अच्छा टाइम पास हुआ, इसने पूरा एंटरटेन किया लोगों को अपने कंटेंट से। वूट की तो भाई निकल पड़ी थी असुर के आने से। तो इसमें थे हमारे अरशद वारसी थे। तो ये पूरी कहानी ना हमारी हिंदी माइथोलॉजी के ऊपर है, कई ऐसी महान बातें लिखी हुई हैं जो हमारी मानवता के भले के लिए लिखी हुई हैं। अगर कोई ऐसा बंदा है जो उन चीजों को मानवता के विनाश के लिए यूज करने लगे अपने मजे के लिए तो क्या होगा। तो ऐसा ही हमको देखने को मिला था वेब सीरीज असुर में। और यार क्या बवाल कर रहा था वो, कौन है सीरियल किलर जिसने वो मास्क पहना हुआ है, कौन बंदा है उसके पीछे, इसका अभी कुछ भी नहीं पता नहीं है। और किस दरिंदगी से वो सबको ख़त्म कर रहा था, वो तो अलग ही लेवल था। ऐसा कंटेंट ना अभी इंडिया में बना नहीं था, बट जब बन गया तो लोग अभी तक इसको भूल नहीं पाए हैं। खुशखबरी तो यही है कि इसका दूसरा सीजन इसी साल आएगा। और इसी साल क्या, अगर मैं कहूँ कि अगले महीने ही आ जाएगा तो फिर तो आप तो खुशी के मारे झूम उठोगे। तो जी हाँ, इसका जो अगला सीजन है वो आपको अगले महीने दिख सकता है, मे बी जुलाई के लास्ट वीक तक। क्योंकि जो इसकी शूटिंग है ना दूसरे सीजन की, वो पिछले साल जुलाई में ही स्टार्ट हो गई थी और इसकी शूटिंग ख़त्म हो चुकी है। और अभी भी इसका जो तय की हुई डेट से ये थोड़ा डिले चल रहा है। इसकी पूरी प्लानिंग थी जून से पहले पहले इसका ट्रेलर रिलीज़ करके जून के लास्ट तक इसको OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया जाए, बट अभी ये चल रहा है डिले और ये अभी तक अपना ट्रेलर भी लॉन्च नहीं कर पाया है। तो सो मे बी सम रीज़न ये अभी तक इसका ट्रेलर भी नहीं रिलीज़ कर पाए, इसका फर्स्ट लुक भी नहीं रिलीज़ कर पाए। बट इतनी उम्मीद है कि जून के लास्ट तक इसका ट्रेलर देखने को मिल जाएगा और जुलाई के लास्ट तक हमको ये पूरा वेब सीरीज देखने को मिल जाएगा। और देखने को कहाँ मिलेगा, वूट पर ही देखने को मिलेगा ये फिर से। तो दिमाग को घुमा देने वाले, चकरा देने वाले इस असुर वेब सीरीज में कई लोग शक की निगाहों में हैं, जैसे हमारे अरशद वारसी हैं, धनंजय राजपूत, उनका खुद जो करेक्टर है वो थोड़ा शक की निगाहों में है, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। और लास्ट में जो हमको बंदा देखने को मिला था जो उस सीरियल किलर के साथ कनेक्ट में है, वो तो उन्हीं का टीम का था ना। तो हो सकता है ये धनंजय राजपूत ने ही प्लांट किया हो कि भैया पहले तू फ्रंट पे रह, तू पकड़ा जाएगा तो अपन सेफ रहेगा। मे भी ऐसा हो सकता है, और मे भी ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल ही निर्दोष हो और जो खूनी है वो कोई और ही निकले। तो यही सब चीज़ें तो देखने वाली हैं। या हो सकता है कि ये निखिल हो जो ये सब कांड कर रहा है। सबसे एक्साइटेड करने वाली बात तो यही है, असुर के जो मेकर्स हैं उन्होंने ये बात पक्की कर दी है कि अगर आपको असुर में 100% कंटेंट मिला था, 100% आपको इसने एंटरटेन किया था, तो असुर 2 में आपको ये 300% एंटरटेन करेगा। मतलब इस बार का जो मज़ा है ना वो 3 गुना है। तो आई एम श्योर इसके आते ही एक बार फिर सबकी नींदें उड़ने वाली हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो उसका एक एक एपिसोड हर रोज देखे। आई एम श्योर जैसे ये रिलीज़ होगा जो भी बंदा इसको देखेगा वो एक साथ ही सभी एपिसोड देखना पसंद करेगा, क्योंकि भैया इसकी स्टोरी ही ऐसी है, इसका सस्पेंस ही ऐसा है कि कोई भी कंटेंट लवर इसको खुद से दूर नहीं रख पाएगा। देखते हैं इस बार सीजन 2 में हमको क्या देखने को मिलता है। और सबसे पहले तो इसका ट्रेलर का ही इंतजार है, मे बी 1-2 वीक में इसका ट्रेलर भी आ ही जाएगा। तो देखते हैं कि आखिर मास्टरमाइंड है कौन, फिर निखिल या फिर कोई और ही जो एक सरप्राइज करने वाला करेक्टर निकल जाए। आप इसके लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।